जब मेरा 47th बर्थडे था ना, मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई उस ऑफिस के अंदर बैठ के कि मरने से पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के करीब चीज़ें हैं 10 चीज़ें लिखी अच्छा, कि मैं मरने से पहले ये काम करूँगा। उसमें मंत्री बनना तो नहीं होगी एक बता देता उन 10 चीज़ों में था एक कि भाई मुझे बहुत लंबे ट्रैक पे जाना है, अच्छा कम से कम महीने भर के ट्रैक पे जाना है, समुद्र के किनारे हैमॉक में लेट के किताब पढ़नी है, अरे ये बड़ा इनोवेटिव है। अच्छा किताबें लिखनी है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, मदर के अपने साथ लेके मतलब मदर तीर्थ यात्राओं पे लेके जाना है, मतलब ऐसे जाती हैं पर मैं अपने साथ लेके जाना चाहता था, जो भी मेरे पास आए उसकी मदद किसी भी तरह से कर सकूँ, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, तो इस तरह की 10 चीज़ें मैंने लिखी। 10 चीज़ें लिखने के बाद मैंने कम से 10 बार ही पढ़ा उसको, जितनी बारी मैं पढ़ता गया उतनी बारी मेरे को लगता गया मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ। उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें पैसे की ज़रूरत थी, कुछ भी नहीं था भाई, एक भी चीज़ नहीं थी। मैंने कहा इतना पैसा तो भाई इतने साल की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, भाई मेरा जीवन तो चल सकता है। हमारे कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं थी, देखो मैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, मेरे कोई पर्सनल खर्चे थे नहीं, कभी ज़िंदगी में कोई खर्च नहीं किया। वाइफ तो कहते हैं अगर 500 रुपये भी दे देना 15 दिन बाद देखे तो 500 रुपये जेब में मिलते थे, वो कोई 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए, तो कोई खर्चा नहीं था इस तरह का उल्टा सीधा। तो अब ये लगा बार बार देख के भी कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरे दिल के करीब है, जो मरने से पहले मैं करना चाहता हूँ, उनमें तो मैं अपना एनर्जी टाइम लगा नहीं रहा, और वैसे पैसे कमाने लगा हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने फैसला किया कि भाई मैं 50 साल का जिस दिन हो जाऊँगा पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। क्या बात है,